पौधों की पत्तियों का पीला होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर उनका हम इलाज नहीं करते हैं तो धीमे धीमे हमारा प्लांट जो है डैमेज हो जाता है, वो ख़त्म होने लगता है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मिट्टी का सही ना होना, गमले का चुनाव सही नहीं होना, चाहे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए पॉट के हिसाब, मतलब प्लांट के हिसाब से, या जो है उसमें आप खाद पूर्ति की ज़रूरत हो, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन उसमें एक मेन कारण भी होता है कि जैसे कि हमको हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं तरह तरह के, वैसे ही पौधे होते हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, पोषक तत्व चाहिए होता है। तो इनकी पत्तियों में पीलापन होना यही एक कारण होता है कि एक जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट को हरा भरा सुंदर बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में ऐसे कोई भी तत्व यूज में होते ही नहीं हैं और उनको हम जो है फेंक देते हैं। तो किचन में हमारे ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनको हमको पता भी नहीं होता है और वो उनको हम जो है रिसेंटली ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ में ऐसा जो है घरेलू मैग्नीशियम सल्फेट बताऊंगी जिससे कि आप अपने गार्डन को बहुत ही अच्छा हरा भरा और ग्रीन बना सकते हैं। पौधों में पत्तियां अगर पीली हो जाती हैं तो पौधों की जो है रौनक खराब हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पौधे में जो है मिलीबग का अटैक होने लगा है। तो विंटर हो समर हो, ये जो है हिबिस्कस में एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसको बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा हेडेक भी नहीं रखना चाहिए। इसके भी बहुत सारे नुस्खे मैंने बता के रखे हैं, तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं लौंग का पानी, या आप जो है सोडा यूज कर सकते हैं, या डिटर्जेंट होता है लिक्विड डिटर्जेंट उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आती हूँ मेन टॉपिक पर। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी घरेलू मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक तरह का जो है खाद पदार्थ है, पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, पौधों की पत्तियों को हरा बनाने के लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये लिक्विड बहुत ही जादू फर्टिलाइजर है, जिसका जादुई उपयोग है हमारे पौधों के लिए। ये हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, पत्तियों को हरा बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे वो विंटर के प्लांट हो, चाहे समर्स के प्लांट हो, चाहे इंडोर प्लांट हो, आप इसको सभी में यूज कर सकते हैं। आप इसको किस तरीके से यूज करना, ये हमारे किचन से निकला एक वेस्ट है जिसको हम बहुत ही अच्छे से आज आपको यूज करके दिखाएंगे, और इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है वो भी आपके साथ प्रॉपर शेयर करूंगी। थोड़ी भी इधर उधर हो जाएगी क्वांटिटी तो थोड़ा सा आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको आप पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या आप जो है लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी अपने पौधों को दे सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है पिटूनिया का प्लांट, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां जो है नियॉन कलर की हो चुकी हैं। कारण यही है कि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो गई है। वैसे तो जो प्लांट के लवर होते हैं, जो प्लांट लगाना पसंद करते हैं, वो हमेशा याद रखते हैं कि हमारे पास पौधों का कौन सा खाद्य पदार्थ अवेलेबल है और कौन सा ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहले से ही ले आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अवेलेबल नहीं होता है, तो उस टाइम पर आप जो है ऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं। वैसे मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही बताती हूँ, लेकिन एप्सम सॉल्ट जो है मैं वैसे भी मार्केट से मंगा लेती हूँ, वो वाला भी यूज करती हूँ, लेकिन ये वाला भी मैं यूज करती हूँ, तो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है मार्केट वाला, तो आप घर पर एप्सम सॉल्ट बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा, और उसका जो दूसरा उपयोग है वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हेल्दी होगा, और आपके दो एक पंथ दो काज होंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है छोले, काले चने, इनका क्या यूज करते हैं आप लोग, ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं इसकी छोले की, काले छोले की, तो इसका जो पानी होता है जो कि मैंने निकाल कर रख लिया है इस तरीके का, आप इनको भिगो कर रखें 1 से 2 दिन तक, और जैसे ही पानी थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है ये पानी, तो आप इसके चने अलग कर लें और इसका पानी अलग कर लें। जिस तरीके से हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट होते हैं उनको भी भरपूर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो है एक मेन सोर्स होता है हमारे पौधों को हेल्दी बनाने के लिए, जैसे कि एक मेन सोर्स होता है हमारी बॉडी को सुबह के टाइम पर रिचार्ज करने के लिए। तो बहुत से लोग इसका जो लिक्विड होता है वो भी पीते हैं, तो मैंने जो है निकाल कर रखा हुआ है, और ये चने जो है मैंने थोड़े बचा कर रख लिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा गलाए थे,
तो उसमें से जो लिक्विड निकला है वो इस तरीके का है। और इस लिक्विड को हम किस तरीके से दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पर, और आप चाहें तो इसको जो है लिक्विड बनाकर पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। देने का टाइम क्या है, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि एक प्योर ऑर्गेनिक है, तो आप इसको सुबह के टाइम भी दे सकते हैं विंटर के टाइम में, और दोपहर के टाइम भी दे सकते हैं। शाम के टाइम बिल्कुल भी आप ये फर्टिलाइजर ना दें, ये एक प्रकार का फर्टिलाइजर है या आप एक प्रकार का पेस्टिसाइड समझिए इसको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मेरे ये हिबिस्कस का प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ हिबिस्कस है, देख सकते हैं कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, और इस वाले में जो है काफ़ी सारे फ्लावर आके ख़त्म भी हो गए हैं, और मैंने स्टिक कट करना भूल गई, क्योंकि पौधे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इनका इतना ज़्यादा देख रेख नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इसकी जो डंडी है इसको हटा देना चाहिए, जिससे कि आपके प्लांट की एनर्जी वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां किस तरीके से येलो होने लगी। तो अभी जो है स्टार्टिंग है, तो अभी अगर हम इसमें एप्सम सॉल्ट की पूर्ति कर देंगे तो प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस देसी एप्सम सॉल्ट को बनाने के लिए हमको लेना है 1 लीटर पानी, और मैंने एक ये खाली गिलास ले लिया है। खाली गिलास में आपको दिखाऊँगी कि ये कितना थिक है, ये देखिए एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं है। और 1 लीटर पानी में हमको लगभग 2 ml के करीब इसको डालना है। बस इतने से ही हमारा जो है ये फर्टिलाइजर बन के रेडी हो जाएगा। ये हमारा देसी एप्सम सॉल्ट है, जो ऑर्गेनिक है प्योर, और हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको जो है बस हमको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और शेक करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और बस हमको पौधों में डाल देना है। आप इसको विंटर के प्लांट, समर के प्लांट किसी में भी डाल सकते हैं, बोगनविला में, जहाँ भी आपको लगे कि पत्तियाँ आपकी जो है पीली हो रही हैं वहाँ पर आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का टाइम मैंने बता दिया है आपको कि आपको जो है सुबह और दोपहर को ही यूज करना है। तो आपको जो भी प्लांट लगे कि जिसकी पत्तियाँ जो है येलो हो रही हैं नियॉन कलर की, तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये बिंका का प्लांट है जो कटिंग से लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बोगनविला, तो बोगनविला में भी दे देंगे। वैसे तो बोगनविला इस टाइम पर भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है, आपको देखने में ही आ रहा होगा। ये कटिंग से लगा हुआ बोगनविला है और इसमें भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन हमको दे देना है। जो भी हार्डी प्लांट है उनमें भी आप दे सकते हैं इस टाइम पर, और जो हमारे परमानेंट प्लांट नहीं है, जो विंटर के प्लांट है, उनमें भी आप दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको फर्टिलाइजर जो भी है, कोई भी चीज़ आप अगर देते हैं लिक्विड बनाकर, तो आपको उतना ही देना है जितना आपके प्लांट जो है ऑब्जर्व कर लें, उससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालना है। अब उसके बाद में हमको इसका स्प्रे कैसे बनाना है, तो 1 लीटर पानी में आप 2 ml ले लीजिए, और उसको जो है स्प्रे बॉटल में भरकर आप जो है पत्तियों पर स्प्रे कीजिए। फूलों पर आपको बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है, फूल पर स्प्रे करेंगे तो फूल जो है आपके फेड हो जाएंगे। तो आप जो है इनकी पत्तियों पर स्प्रे करें, स्टेम पर कर दें, नीचे की साइड कर दें, मिट्टी में भी जाएगा तो उससे भी बहुत अच्छा एप्सम सॉल्ट मिलेगा, और जड़ों में जब जाएगा तो बहुत अच्छे से प्लांट ग्रीन और एकदम हेल्दी हो जाएंगे। तो आप भी इस तरीके से एप्सम सॉल्ट घर पर बनाइए और यूज करके देखिए, और रिजल्ट आप मुझे बताइएगा किस तरीके से मिला है। एक बार में आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 15 दिन में एक बार यूज करना है, रोज़ रोज़ यूज नहीं करना है, 15 से 20 दिन में एक बार यूज कीजिए इसको, और उसके बाद में फिर 20 दिन बाद 15 दिन बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे या पेस्टिसाइड, तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के साथ करना, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग।